कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर के श्रीनगर गुलमर्ग टूर प्लान के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कैसे आप कश्मीर घूमने जा सकते हैं, क्या है सस्ता सही और आसान तरीका कश्मीर को घूमने का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं कश्मीर। कश्मीर टूर में सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर कैसे पहुंचा जाए? अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो देश के सभी बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। दिल्ली की बात करें तो 5000 से 7000 रुपए का टिकट बनता है फ्लाइट में दिल्ली से श्रीनगर का, जिसमें 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो डायरेक्ट बस श्रीनगर के लिए दिल्ली से भी अवेलेबल है। इसके अलावा देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से भी डायरेक्ट बस सेवा अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं jksrtc.com पर जाने के बाद। दिल्ली के प्राइस की मैं बात करूं तो वोल्वो में चार्ज रहता है 2199 रुपए। सेमी नॉन एसी डिलेक्स बस की बात करूं तो 1837 रुपए का टिकट बनता है और ऑर्डिनरी बस में तो मात्र 1649 रुपए के टिकट में आप दिल्ली से श्रीनगर आ सकते हैं। इसके अलावा श्रीनगर देश के बाकी सभी शहरों से भी बाय रोड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो जम्मू कटरा और उधमपुर है। जम्मू से श्रीनगर के बीच की दूरी 268 किलोमीटर है, कटरा से श्रीनगर के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, वहीं उधमपुर से श्रीनगर के बीच की दूरी करीब 201 किलोमीटर है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट होता है श्रीनगर जाने के लिए। इसके अलावा उधमपुर से आपको बाय बस या बाय टैक्सी बनिहाल तक आना होगा। बनिहाल तक आने का क्या खास कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके बीच की दूरी 93 किलोमीटर है। बाय बस अगर आप आते हैं तो 3 घंटे के सफर में आप 150 रुपए पे करने के बाद उधमपुर से बनिहाल आ सकते हैं। बाय टैक्सी आना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी में 400 से 500 रुपए किराया लिया जाता है, बनिहाल पहुंच सकते हैं। बनिहाल एक ऐसी जगह है जहां पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। बनिहाल से श्रीनगर के बीच रेल सेवा चलती है। बनिहाल रेलवे स्टेशन से हर 1-1 घंटे पर श्रीनगर के लिए ट्रेन मिल जाती है। ये रेल सफर बहुत ही खास होता है। इस रेल सफर में आप कश्मीर की सुंदर वादियों को एंजॉय कर सकते हैं, वहां के सुंदर और आकर्षक नजारों को देख सकते हैं। इस जर्नी में जो पूरा टाइमिंग रहता है करीब 1.5 घंटे का रहता है और मात्र 35 रुपए का टिकट लगता है बनिहाल से श्रीनगर तक का। श्रीनगर का जो रेलवे स्टेशन है वो नौगाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत अच्छे सीनिक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बाय ट्रेन आने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके अलावा आप कटरा से भी डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, जो 650 से 850 रुपए किराया लिया जाता है और शेयर टैक्सी में 500 से 1000 रुपए किराया लिया जाता है, बट डिपेंड करता है सीजन पर, तभी कटरा से आपको शेयर टैक्सी वगैरह मिल पाती है। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या फिर रेंटेड टैक्सी से भी श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि स्टे कहाँ करना है। देखिए, श्रीनगर में बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं और होटल्स में रुकना तो बहुत आम बात है। किसी भी शहर में आप आसानी से होटल में रुक सकते हैं, लेकिन श्रीनगर जो जाना जाता है वो अपनी हाउस बोट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। केरल के अलावा आप कश्मीर में हाउस बोट को एंजॉय कर सकते हैं। श्रीनगर में डल झील है, उसी डल झील में इन हाउस बोट को अरेंज किया गया है। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं, जिनके चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। मात्र 400 से 800 रुपए में भी आपको यहाँ एक नाइट का स्टे करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा कुछ महंगे हाउस बोट भी डल झील में अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सही लोकेशन पर आप हाउस बोट का चुनाव करें, क्योंकि हाउस बोट में स्टे करने के बाद अगर आपको श्रीनगर किसी दूसरी साइट्स को विजिट करने जाना है तो आपको वहाँ पे मौजूद शिकारा बोट को ही लेना पड़ेगा। शिकारा बोट वो बोट होती हैं जो आपको हाउस बोट से श्रीनगर की दूसरी साइट्स पे विजिट करने जाना है वहाँ ड्रॉप करेंगे। इनमें चार्जेस लिया जाता है 10 से 50 रुपए। हाउस बोट का चुनाव करते वक्त ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, कुछ हाउस बोट में फूड इंक्लूड रहता है और कुछ हाउस बोट में फूड इंक्लूड नहीं रहता है। मेरे हिसाब से अगर हाउस बोट में ही फूड फैसिलिटी अवेलेबल है तो वही ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बार बार आपको शिकारा बोट यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी।
वरना हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको सिकारा बोट का सहारा ही लेना पड़ेगा दूसरी छोर पर जाने के लिए। तो लोकेशन ऐसी चूज करें जहां कम से कम समय में कम से कम रेंट पर आप स्टे कर पाए। इसके अलावा जो नॉर्मल होटल्स श्रीनगर में अवेलेबल है वो भी 500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, जो 20,000 रुपए तक जा सकते हैं। आप होम स्टे में भी रुक सकते हैं, वो भी वहां पर एक बेस्ट ऑप्शन बना रहता है, बट मेरे हिसाब से हाउस बोट ज्यादा अच्छा ऑप्शन है श्रीनगर में स्टे करने के लिए। अब बात करते हैं कि कहां कहां घूमने जा सकते हैं श्रीनगर आने के बाद। श्रीनगर अपनी लेक व्यू, वहां की बाग गार्डन, इनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप परी महल जा सकते हैं जो वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चश्मे शाही बाग घूमने जा सकते हैं जो 1 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप नागिन लेक घूमने जा सकते हैं जो डल झील का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा आप निशात बाग घूमने जा सकते हैं जो डल झील के पास में ही स्थित है और 46 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा आप हजरत बल श्राइन घूमने जा सकते हैं। आप चाहें तो शंकराचार्य टेंपल भी यहां घूमने जा सकते हैं जो शंकराचार्य पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा शालीमार बाग भी यहां का एक लोकप्रिय बाग है, जिसकी स्थापना 1619 में हुई थी। आप ट्यूलिप गार्डन जा सकते हैं, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो श्रीनगर का सबसे बड़ा गार्डन है। यह 73 एकड़ में फैला हुआ है, 2007 में इसको बनवाया गया था। आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। बाकी डल झील के आसपास घूमने का एक्सपीरियंस अपने आप में ही बेहद खूबसूरत होता है। आप श्रीनगर के मार्केट को भी इंजॉय कर सकते हैं। श्रीनगर में आप 2 दिन का स्टे जरूर करेंगे, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर इवनिंग तक ही पहुँच पाते हैं, तो उस रात तो आपको यहाँ स्टे करना ही होगा। नेक्स्ट डे आप इन सभी साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं, और उस दिन भी रात में आपको श्रीनगर ही स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे का प्लान है, यानी थर्ड डे का प्लान है, आप गुलमर्ग जरूर जाइएगा। गुलमर्ग एक ऐसी जगह है कश्मीर की जो बेहद खूबसूरत है और श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए भी आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, जो 1200 से 1500 रुपए चार्ज करेंगे वन वे का, आप उससे जा सकते हैं। या फिर आप टैक्सी का पूरा पैकेज बुक कर लीजिए, जो 2500 से 3000 या 3500 तक रहता है, जिसमें वो आपको गुलमर्ग लेके जाएंगे और वापस भी आपको श्रीनगर ड्रॉप करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप बस से चले जाइए, 70 से 80 रुपए का टिकट बनता है और आप गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं, तो गुलमर्ग में स्टे के लिए जो होटल्स वहां अवेलेबल हैं, वे काफी ज्यादा कॉस्टली है। 1500-2000 रुपए से वहां स्टार्टिंग होती है, और कभी कभी सीजन पर डिपेंड करता है, तो 2500-3000 रुपए में वहां रूम मिल पाते हैं। गुलमर्ग एडवेंचर लवर के लिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत जगह है। अब चुनाव आपको करना है कि आपको गुलमर्ग स्टे करना है, या फिर मॉर्निंग में गुलमर्ग आने के बाद इवनिंग तक इंजॉय करने के बाद वापस श्रीनगर जाना है। जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं, तो 2000-2500 में आपको आसानी से होटल अवेलेबल हो जाएगा। गुलमर्ग आने के बाद गुलमर्ग की गंडोला राइड करना तो बनता है, क्योंकि ये राइड बेहद खास होती है। इसको रोप वे भी बोला जाता है, जो बेसिकली 2 फेजेस में वहाँ होती है। पहला फेज है गुलमर्ग से कांगडोर तक, और दूसरा फेज है कांगडोर से अपर हाईएस्ट पॉइंट तक। अगर आप सीजन में आते हैं, यानी फरवरी मार्च या जुलाई तक आते हैं, तो आप दोनों फेज की गंडोला राइड एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप विंटर में आते हैं, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी, तो आप सेकंड फेज की गंडोला राइड को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बंद कर दी जाती है बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाने के कारण। अब आपको टिकट प्राइस के बारे में बता देते हैं। गुलमर्ग से कांगडोर तक जो राइड है, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास की ये राइड है, इसका टिकट बनता है 750 रुपए का। और कांगडोर से हाईएस्ट पॉइंट तक जो राइड है, उसका टिकट है 950 रुपए का। अगर आप दोनों फेजेस का एक साथ कंबाइंड टिकट लेना चाहते हैं, तो 1690 रुपए का बनता है। आप चाहें तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं gulmarggondola.com पर जाने के बाद। बट सेकंड फेज का टिकट आप जब ही बुक करें, जब आपका फर्स्ट फेज का टिकट कंफर्म हो जाए। मेरे हिसाब से फर्स्ट फेज ही अगर करते हैं, तो वही सफिशिएंट होता है। वहाँ आपको सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए मिल जाएंगी। बेस्ट है फर्स्ट फेज जरूर करें। पहले फेज में 1 घंटे में 1500 पैसेंजर को ले जाने की कैपेसिटी होती है, और दूसरे फेज की राइड में 1 घंटे में 600 पैसेंजर तक ही जा पाते हैं। 3 साल से छोटे बच्चे का कोई टिकट नहीं लिया जाता है, और 3 साल से ऊपर के सभी बच्चे और बड़ों के लिए फुल टिकट लेना पड़ता है। तो गंडोला राइड गुलमर्ग की बेहद खास है, इसे एंजॉय जरूर करें। गुलमर्ग में आने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? आप स्नो स्कूटर, जिसको स्नो मोबाइल बोला जाता है, एंजॉय कर सकते हैं। इसके 4 अलग अलग पॉइंट है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप अलग अलग पॉइंट से इसको एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें K1, K2, K3 और K4 4 अलग अलग पॉइंट है। चारों के
प्राइस भी अलग अलग है, 1200, 1700, 2200 और 3500 रुपए आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बेहद खास है गुलमर्ग की स्नो मोबाइल। इसके अलावा आप स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं, 500 रुपए चार्ज लिया जाता है, आप स्कीइंग को एंजॉय कर सकते हैं, एक राइड इससे आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फुल डे के लिए भी स्कीइंग को बुक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, उसके चार्ज कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे। स्नो बोर्डिंग भी आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, ट्यूब राइडिंग वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, सबके अलग अलग चार्ज रहते हैं सीजन और टूरिस्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आप श्रीनगर घूमने आते हैं तो गुलमर्ग जरूर आइएगा। गुलमर्ग श्रीनगर आने वाले सभी टूरिस्ट के लिए एक खास पॉइंट है जहाँ आना जरूरी बनता है, और एडवेंचर लवर के लिए तो गुलमर्ग बेहद खास है। यहाँ बहुत ज्यादा स्नो देखेंगे विंटर के सीजन में। चलिए अब बात करते हैं फूड फैसिलिटीज की, श्रीनगर और गुलमर्ग में फूड फैसिलिटीज कैसी है। देखिए श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी जगहों पर आपको नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों ही तरह का फूड आसानी से मिल जाएगा। बेस्ट टाइम कौन सा है श्रीनगर गुलमर्ग को एंजॉय करने का? देखिए मार्च से लेकर जुलाई तक सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि श्रीनगर गुलमर्ग में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है विंटर के समय में, तो कुछ जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में मार्च से लेकर जुलाई तक आप कभी भी आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। और हो सकता है कि मार्च के मंथ में आपको गुलमर्ग हाईएस्ट पॉइंट पर बहुत ज्यादा स्नो भी देखने के लिए मिलेगी, कुछ स्नो एक्टिविटीज भी आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्नो लवर हैं, स्नोफॉल को एंजॉय करना चाहते हैं, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक जरूर आइएगा। इस समय बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ मिलती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो स्नोफॉल के दौरान ही होती हैं वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। इस समय भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट श्रीनगर और गुलमर्ग घूमने आते हैं। बात बजट की कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ श्रीनगर को कवर करना चाहते हैं और ट्रेन से लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके अपनी जर्नी को करना चाहते हैं, तो मात्र 4,500-5,000 में आप श्रीनगर की जर्नी पूरी कर लेंगे और अच्छे से घूमने के बाद वापस चले जाएंगे। बट अगर आप श्रीनगर के साथ गुलमर्ग को भी इंक्लूड करना चाहते हैं और वही सब ट्रेन बस लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आसानी से 8,000-10,000 में आप इस पूरी जर्नी को कर पाएंगे। दो नाइट का स्टे आप श्रीनगर में कर लीजिए, वन नाइट का स्टे आप गुलमर्ग में कर लीजिए, आप 3 रातों में आसानी से पूरी इस ट्रिप को इंजॉय कर पाएंगे। ये टूर आपका सबसे बेस्ट रहेगा किसी दूसरे टूर के कंपैरिजन में। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क बेसिकली कश्मीर पहुंचने के बाद प्रीपेड सिम वहाँ काम नहीं करते हैं, पोस्ट पेड सिम ही वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे में आपको ये तय करना होगा कि कश्मीर आने से पहले एक पोस्ट पेड सिम जरूर लें, तभी आपका मोबाइल नेटवर्क चालू हो पाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ के लोग आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी आपको देखने के लिए मिलेगी श्रीनगर और गुलमर्ग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई सवाल कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार बनाते रहेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।